ऑल राइट, सो गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये होने वाला है पावरफुल रूट ऐप्स का पार्ट 3। एंड अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए आपको, तो वो भी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है। नाउ विद ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टुडेज वीडियो इज लीनड्रॉइड। तो इस एप्लीकेशन से आप अपने फ़ोन के स्क्रीन ऑफ होने पर और ऑन होने पर कनेक्टिविटी कैसे बिहेव करेंगे वो कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आपको डिजेबल स्विच का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो आप चाहते हैं कि स्क्रीन ऑफ होने पर वो भी ऑफ हो जाए। तो आप वाईफाई सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल डेटा, सेलुलर रेडियो, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप सारे कनेक्टिविटी ऑफ कर दोगे तो आपको मैसेजेस एंड नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहेगा क्योंकि आपने सब कुछ ऑफ कर दिया है। तो इसके लिए आप सेलुलर नेटवर्क टाइप 2G सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका स्क्रीन ऑफ होते ही आपका नेटवर्क जो है वो 2G में चेंज हो जाएगा, विच मीन्स आपका ज़्यादा बैटरी भी ड्रेन नहीं होगा एंड आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड भी रहेगा। मतलब जो आपको थोड़े बहुत नोटिफिकेशंस मैसेजेस वगैरह आएंगे वो तो आपको आते ही रहेंगे, फ़ोन ऑन करने के बाद आपको सारे मिल जाएंगे। एंड सपोज़ अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि स्क्रीन ऑफ होने पर आपका वाईफाई बंद हो, तो इसके लिए आपको एक्सेप्ट में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एक्सेप्ट इज मोर एक्टिव देन। तो यहाँ पे आपको स्पीड सेट करना है और अगर स्क्रीन ऑफ के टाइम पे आपने जितना स्पीड सेट किया है उसके ऊपर वाईफाई यूज़ कर रहा होगा तो आपका वाईफाई ऑफ नहीं होगा। एंड जैसे आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा और वाईफाई का स्पीड नॉर्मल हो जाएगा तो वाईफाई अपने आप बंद हो जाएगा। यही सेम आप पर्टिकुलर ब्लूटूथ डिवाइस और वाईफाई नेटवर्क के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको टाइम का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कितने टाइम बाद टास्क एग्जीक्यूट होगा स्क्रीन ऑफ करने के बाद, तो ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं 5 मिनट्स रखता हूँ, लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐप को जो है रीसेट किया है तो सारे डिफ़ॉल्ट पर हैं वैल्यूज़। और यही सेम आप स्क्रीन ऑन के लिए भी कर सकते हैं, मतलब जब आप अपने स्क्रीन को ऑन करेंगे तो कौन से कनेक्टिविटी ऑन होंगे। तो यार देखो, खुद ट्राई कर लो, अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप लोग पक जाओगे, लेकिन ये ऐप मस्ट है अगर आप रूटेड यूज़र हैं तो अभी इंस्टॉल करके रख लो। बहुत कुछ कर सकते हो आप, एक्सपेरिमेंट करके खुद देख लो, मैं सब कुछ इन डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, अभी वीडियो लेंथी हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन एट नंबर 2, वी हैव गॉट स्टोरेज आइसोलेशन। तो देखो, आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो स्टोरेज परमिशन मांगता ही है, जो कि ठीक है क्योंकि उसको जो है अपना फाइल एक्सेस करना होता है तभी ऐप काम कर पाएगा। लेकिन जब आप एक्सेस ग्रांट करते हो तो वो आपके फ़ोन का पूरा स्टोरेज एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऐप उसके ही फाइल्स एक्सेस करेगा, आपके पर्सनल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा सब एक्सेस कर सकता है वो ऐप, एक बार आपने स्टोरेज परमिशन दे दिया तो। और यूजुअली रूटेड यूज़र्स जो होते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं जिनके डेवलपर्स वगैरह अननोन होते हैं। मतलब अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो भी गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर गूगल प्ले स्टोर में आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप गूगल को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ ये मोस्टली नहीं होता, डेवलपर्स अननोन होते हैं। और मोस्टली ऐप्स जो हैं वो अपना डेटा एंड्रॉयड फोल्डर में, जो डेटा फोल्डर होता है वहाँ पे सेव करते हैं, और जब आप ऐप डिलीट करते हो तो उसका फोल्डर आपके फ़ोन में रह जाता है, विच मीन्स फालतू जंक फोल्डर्स रह जाएंगे। तो स्टोरेज आइसोलेशन की हेल्प से आपके ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आप किसी भी ऐप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर सकते हो अपने स्टोरेज से, मतलब आपको सिर्फ ऐप सेलेक्ट करना है और फिर उसको आइसोलेट कर दो। नेक्स्ट जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है, आइसोलेटेड स्टोरेज लोकेशन सेट करना है आपको, मतलब इस ऐप का एक सेपरेट स्टोरेज बन जाएगा और ये ऐप सिर्फ वही फोल्डर एक्सेस कर सकता है बस। आप जो भी डाउनलोड वगैरह करेंगे वो इस फोल्डर में आ जाएंगे, मतलब आपने जो सेट किया होगा फोल्डर उस फोल्डर में, और आप जब ऐप अनइंस्टॉल करोगे तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और ऐप कोई और फाइल्स एक्सेस भी नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी नहीं, आपने जो फोल्डर अलाउ किया है सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, मतलब एकदम पूरा कंप्लीट आइसोलेशन में रहेगा अकेले बस। लेकिन आप ऐप जो है वो नॉर्मली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज एंड एट द सेम टाइम आप सेफ भी रहोगे, डेटा थेफ्ट से एंड जंक फोल्डर्स का भी टेंशन नहीं रहेगा आपको। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अब मैं सब तो नहीं बता सकता ऑब्वियसली, लेकिन ट्राई करके देख लो, काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दो, आई विल ट्राई टू सॉल्व। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ टुडेस वीडियो, वी हैव गॉट परफॉर्मेंस स्पीकर। तो देखो, रूट करने का जो प्राइमरी रीज़न होता है मोस्टली वो होता है परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ इंप्रूव करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए, और परफॉर्मेंस स्पीकर जो है आपको एग्जैक्टली वो करने में मदद कर देगा। काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड एट द सेम टाइम बहुत ही इफेक्टिव एप्लीकेशन है। आपको CPU और GPU का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप CPU का फ्रीक्वेंसी जो है
वो चेंज कर सकते हैं। अगर गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप जो है सीपीयू फ्रीक्वेंसी मैक्स पे रख सकते हैं ताकि आपका फ़ोन अपना फुल पावर यूज़ करें एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस दे। और सीपीयू का गवर्नर भी चेंज कर सकते हैं आप, आपका कर्नल जो भी गवर्नर सपोर्ट करता है वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आप सीपीयू का फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं और गवर्नर को जो है वो बैटरी सेविंग मोड पे डाल दो। और ये कोई फालतू बैटरी सेविंग ऐप जैसा नहीं है, ये सच में काम करता है और बैटरी सेविंग ऐप से कहीं ज़्यादा बेहतर है ये। एक्चुअली बैटरी सेविंग ऐप जो है वो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड में जो ऐप्स होते हैं उन्हें बंद करते हैं बस। और यही सेम जो है आप जीपीयू के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आपको गेमिंग के टाइम पे परफॉर्मेंस ठीक से नहीं मिल रहा या फिर ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है तो दिस एप्लीकेशन इज़ डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। यू गेट फुल कंट्रोल ओवर योर सीपीयू एंड जीपीयू। और भी थोड़े बहुत ऑप्शंस मिलेंगे जैसे वर्चुअल मेमोरी, आईओ कंट्रोल, बिल्ड प्रॉप एडिटर एक्सेट्रा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो ओवरऑल अ सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव एप्लीकेशन। तो ये थे आज के 3 पावरफुल रूट ऐप्स। एंड अगर आप इन ऐप्स को ट्राई करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना, सोच समझ के सेटिंग्स चेंज करो, फालतू में छेड़छाड़ मत करो, फ़ोन ब्रिक हो सकता है। मेरा खुद का बहुत बार हो चुका है लेकिन मेरे को फर्मवेयर इंस्टॉल करना आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऐप्स जितने बेनिफिशियल हैं उतने हार्मफुल भी हैं अगर सही से यूज़ नहीं करोगे तो। सो जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल, दैट्स इट। सो वेल एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम एक्स साइनिंग आउट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।